हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कंवर प्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज फिर हम एक अद्भुत तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करेंगे। बहुत अलग अलग तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे दवा की एक ही डिब्बी से लोग सब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश को पहले भी बहुत सारे चोर और निकम्मे प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन मोदी जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान हमारे देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। प्रधानमंत्री को पूरे देश का हित सोचना होता है, ये नहीं कि जो प्रांत या जो स्टेट्स आपके हक में वोट नहीं करती आप उन स्टेट्स को रगड़ दें। भाजपा का पंजाब के अंदर कोई खास आधार नहीं, पंजाब से इनको एक या दो एमपी को एक या दो सांसद ही मिलते हैं, ज्यादा सांसद इनको यहां से नहीं मिलते। लेकिन जो किसान विरोधी बिल है उसके ऊपर अभी महज कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ने साइन किए हैं और बहुत समय पहले से यहां पर अदानी ने जमीनें खरीद ली हैं और अदानी के गोडाउन पंजाब के अंदर बन रहे हैं, जहां पर वो सारा खरीदा हुआ अनाज और बाकी सब फसलों को स्टोर करेंगे। और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा है, अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने जो एक बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट था इजी डे, उसको अभी ताजा ताजा खरीदा है। तो इजी डे एक ग्रोसरी चेन है, वहां पर भी सारा आटा, दाल, चावल, ये सब चीजें वहां पर बिकती हैं। और उसके ऊपर मोदी ने अदानी और अंबानी को इस चीज की भी छूट दे दी है कि आप जितना चाहें उतना गेहूं स्टोर कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतनी कोई भी सब्जी या कोई भी फसल स्टोर कर सकते हैं। इससे बाजार के भाव पर बहुत फर्क आएगा, ये लोग सस्ते भाव में खरीद कर बाद में उसको महंगे भाव में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे और पिसेगा बेचारा गरीब किसान। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, अगर ऐसा घटिया और गिरा हुआ इंसान देश का प्रधानमंत्री हो तो प्रजा को झेलना ही पड़ता है। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आज हम बात करेंगे जिन लोगों का मन नहीं करता सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए और उनके टोटल टेस्टोस्टेरोन के और फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी बिल्कुल सही हों, इतने कम नहीं हों, उनका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल है, जो उनका FSH और LH हार्मोन का लेवल है वो भी कम नहीं हो, जो उनका SHBG का लेवल है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, वो भी नॉर्मल हो और फिर भी उनको सेक्स समस्या हो, ऐसे लोग बहुत सारी दवाएं खा चुके हों फिर भी ठीक नहीं हो रहे हों, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के टेस्ट कराने चाहिए, खास तौर पर जो तीन मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो मैसेंजर्स होते हैं, वो डाकिये होते हैं जो हमारे दिमाग से हमारे पेनिस के सेल्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं। अगर इन तीनों का अनुपात आपस में सही नहीं होगा और इन तीनों का मिला हुआ अनुपात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ सही नहीं होगा तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कुछ लोग डोपामीन को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर आपके डोपामीन के लेवल सही हों और ग्लूटामेट के लेवल सही नहीं हों, दिमाग के जिस हिस्से में डोपामीन को पहुंचना चाहिए वहां पर वो नहीं पहुंचेगी, उसको वहां पहुंचाने में ग्लूटामेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब दिमाग से सिग्नल निकलेगा उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का काम शुरू होगा, तो आप इस चीज को भी चेक कराएं। तो अगर आपको काफी हैवी सेक्सुअल प्रॉब्लम है और आप ठीक नहीं हो रहे तो फिर आप इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के टेस्ट्स कराएं, आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।